लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की 13वीं कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी सप्ताह आपकी सरकार 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। देश और दुनिया में तनाव, हताशा और निराशा की अनेक खबरों के बावजूद छत्तीसगढ़ में उमंग और उल्लास का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में जो सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, उसके पीछे आपकी जमीनी और सकारात्मक सोच है। इस अवसर पर हमारे श्रोताओं और प्रदेश की जनता की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। हम सब आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये उत्साहजनक वातावरण कायम रहेगा और आपके कुशल और संवेदनशील नेतृत्व का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता रहेगा। बधाइयों और शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि बीते 2 सालों में हमने जो सबसे बड़ा काम किया वह है जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं, सपनों, उम्मीदों को आत्मसात करना, शासन और प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाना। हमने सबसे पहले यह देखा कि 20 साल का छत्तीसगढ़ मात्र 2 साल में किस तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हमने यह प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ का जन जन अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को लेकर मुखर हो जाए। हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़ वासियों का खोया हुआ आत्मविश्वास किस तरह जल्दी से जल्दी लौट आए। हमने ऐसे इंतजाम किए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में अपनी परंपराओं, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता को लेकर जो गौरव का भाव सदियों से था और जो राज्य बनने के बाद कहीं कमजोर पड़ गया था, उसे किस तरह जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे पास श्रोताओं के विचारों और सवालों की जितनी लंबी लड़ी है, उतने ही अलग रंग भी हैं। आइए सुनते हैं 2 बेटियों की आवाज। नमस्कार, मैं तुलसी साहू जानकी चांपा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। हम जब से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, हमेशा दिवाली, होली और ईद की छुट्टियाँ मिलती थी, पर कभी भी छत्तीसगढ़ के त्यौहार जैसे तीजा, पोला और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको यह विचार कैसे आया और अपने क्या सोचकर यह व्यवस्था शुरू की। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए विकास क्या है, क्या आप इसका कोई मॉडल बना रहे हैं? क्योंकि हम खबरों में पढ़ा करते हैं कि हमारा पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा है। ऐसा क्यों? क्या हमारे इस राज्य के आपके इस नए मॉडल से दूसरा राज्य भी कुछ सीख सकता है? तुलसी, प्रतीक्षा और बहुत से लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की पहचान एक लोक प्रदेश के रूप में है। यहाँ का जनजीवन बहुत अलग अलग विशेषताओं से भरा हुआ है। हर अंचल की अपनी परंपराएं और संस्कृति है। यहाँ धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक महत्व के अनेक स्थान हैं, जिनके प्रति स्थानीय जनता के मन में गहरी आस्था है। मैदानी अंचलों से लेकर वन अंचलों तक लोक रंगों, पर्वों, त्योहारों के अनेक रंग बिखरे हैं। छत्तीसगढ़ी व्यक्ति का मूल स्वभाव अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ जीने का है। राज्य बनने के बाद यह उम्मीद थी कि प्रदेश का विकास अपनी सांस्कृतिक जड़ों से होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण हमारे लोक जीवन में उमंग और उत्साह में कमी के साथ उद्यमता पर भी विपरीत असर पड़ने लगा था। इंसान का स्वभाव होता है कि जब वह खुश और संतुष्ट होता है तो अधिक लगन और मेहनत से बेहतर उत्पादन करता है। इसलिए हमने अपने परंपरागत पर्वों, त्योहारों का गौरव लौटाया। छत्तीसगढ़ भले ही अपने लोक रंगों में डूबता उतरता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी चेतना समन्वय और सद्भाव के साथ अन्याय के खिलाफ मुखर होने की रही है। 1857 के भी पहले अमर शहीद जयंत सिंह और उनके साथियों की चेतना ने आजादी का बिगुल फूका था, जिसका विस्तार शहीद वीर नारायण सिंह तथा उनके बाद में भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। मुझे खुशी है कि हम उस परंपरा के वाहक हैं जिसने हमेशा न्याय की अलग जगाए रखा। हमारे पास गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सपनों का बड़ा फलक है। उनकी बड़ी दृष्टि से हमें साफ दिखता है कि किन किन क्षेत्रों में तत्काल और किन किन क्षेत्रों में 5 वर्षों में बड़े बदलाव लाने हैं। इसलिए 2 साल पहले जब हमें सरकार की बागडोर मिली
तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय की परंपरा को छत्तीसगढ़ में फिर से जीवित करने की थी, जिसकी लौ डेढ़ दशकों में कमजोर हो गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी उदार, समन्वयकारी, सद्भावी और विकास परक नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों पर अटूट विश्वास प्रकट किया और इन दो सालों को न्याय की पुनर्स्थापना और विस्तार का समय बनाने में हमारी मदद की। मोटे तौर पर देखें तो आम जनता का सशक्तिकरण, किसानों, आदिवासियों और कमजोर तबकों को ताकत देना हमारे विकास मॉडल की मुख्य विशेषता है। आज छत्तीसगढ़ को नई आशाओं का गढ़, देश का नया विश्वास जैसी इबारतों से नवाजा जाता है, तो इसकी वजह भी प्रदेशवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अतः मैं प्रदेशवासियों को बारंबार नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि आपने इन दो वर्षों में किसानों, वन आश्रितों के हित में बड़े कदम उठाए हैं। ये तो सच है ही, लेकिन पूरा सच जानने के लिए हम आपको कुछ और विचार सुनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अमर परवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैट। 2019-24 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी जो सरकार के द्वारा डिक्लेयर हुई है, वो बहुत अच्छी एक पॉलिसी बनी है पूरे प्रदेश के लिए, जिसमें प्रदेश में एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा माहौल बना है। और विशेष तौर पर अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे रहे हैं। अगर सारे बेनिफिट्स अगर वहां के उद्योगपति और जो नए एंटरप्रेनर आते हैं उद्योग लगाने के लिए, वो सारे बेनिफिट्स अगर काउंट करते हैं तो 160% तक का सब्सिडी का प्रावधान है। और ये बेनिफिट को लेते हुए अगर वहां के लोकल या बाहर के या नए एंटरप्रेनर जो भी उद्योग लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अपना भी बहुत बेनिफिट करेंगे, बस्तर को भी मेन स्ट्रीम में लाने में बहुत योगदान करेंगे और उस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो एक उद्योग नीति है वो सही मायनों पे काम करेगी। बनिस्पत ये सपोर्ट जमीनी स्तर में भी उन उद्योगपतियों को और जो नए एंटरप्रेनर आ रहे हैं उनको मिले, तब ये बहुत अच्छी बात। हमारे यशस्वी एवं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, मैं अनिल नचरानी, प्रेसिडेंट स्पॉन्ज एरन एसोसिएशन से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्योग, व्यापार और जो हमारे छोटे व्यापार, छोटे उद्योग जो छत्तीसगढ़ में विशेषकर है, वो पहले बहुत परेशानी में चल रहे थे। 50% से नीचे उनका प्रोडक्शन जा चुका था, उद्योगों का एक्सपांशन रुक चुका था, नए उद्योगों की बात होना बंद हो चुकी थी। लेकिन अब आपके नेतृत्व में वापस एक वो विश्वास आया है उद्योगपतियों का। जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, जो प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, वो सराहनीय प्रयास हैं। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं महेंद्र मुकीम, हम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिले थे लगभग 2 वर्ष पूर्व। नई उद्योग नीति के लिए हमने आपसे कुछ आपके सामने सुझाव रखे, आपने बड़ी सहजता से, सरलता से हमारी सारी बातें सुनी। त्वरित एक हफ्ते के अंदर आपने घोषणा की कि इन सारे पॉइंट्स को हम बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे, इंडस्ट्री के सामने आने वाली हर बाधाओं को हमारी सरकार हटाएगी। सुखद आश्चर्य का विषय है कि आने वाले कुछ महीनों में हम देख रहे थे कि लगातार एक के बाद एक ऐसी नियम और कानून जो बीच में हडल थे वो सब हटा लिए गए और एक बहुत स्वस्थ माहौल उद्योग का छत्तीसगढ़ में लगातार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता गया। कोरोना काल के समय में भी छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री ने जिस तरह परफॉर्म किया और जिस तरह शासन और प्रशासन ने हर वक्त उनको हर तरह से सहयोग दी, वो अपने आप में रिमार्केबल है। ऐसी मिसाल शायद हिंदुस्तान के और किसी स्टेट में रही हो। और न सिर्फ उद्योग, आज छत्तीसगढ़ का छोटा से छोटा व्यापारी कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ है, अगर कोई भी समस्या आएगी तो ये सरकार उसको सॉल्व कर देगी। आज मजदूर है, किसान है, गांव में बैठा छोटा से छोटा किसान, छोटा से छोटा काम करने वाला, कुटीर उद्योग वाला, इस एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के कारण जो सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी है, उसके कारण आज एक इकोनॉमी में जिस तरह से कैपिटल का सर्कुलेशन हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो बहुत ही रिमार्केबल है। और हमें ये कहते हुए बहुत हर्ष है कि आपके जैसा मुख्यमंत्री हमें मिला है। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ और त्रितिलिंग समुदाय से हूँ। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे हम किन्नरों को उद्योग नीति में शामिल किया गया। इस उद्योग नीति में शामिल होने पे आज हमारे समाज में खुशहाली का माहौल है। आज हम लोगों को उद्योग शुरू करने पे 40% की सब्सिडी है और ये सब्सिडी देने वाला भी भारतवर्ष का एकमात्र राज्य है। इसलिए मैं
माननीय श्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अमर परवानी जी, महेंद्र मुकिम जी, अनिल नचरानी जी, विद्या राजपूत जी, आप लोगों के विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा विश्वास भी मजबूत हुआ है कि हम प्राथमिक क्षेत्र के साथ उद्योग व्यापार जगत को भी सही दिशा में ले जाने में सफल हुए हैं। निश्चित तौर पर कृषि, वनोपज, परंपरागत रोजगार, हस्तशिल्प आदि पर आश्रित प्रदेशवासियों पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी और है, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को ठोस अर्थव्यवस्था का गढ़ बनाने में हर क्षेत्र की हर संभव भागीदारी सुनिश्चित करने की नीति अपनाई है। आप लोगों के सुझावों को सुनना और उसके माध्यम से विकास की नई दिशाएं तय करना वास्तव में कुछ नया सीखने और नया करने की प्रक्रिया है। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे भी हम चाहेंगे कि हम इसी तरह जुड़े रहें और कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ को उन्नत राज्य बनाने के लिए काम करते रहें। जहां तक शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता का सवाल है, तो मैं वादा करता हूं कि हम उद्योग और व्यापार में लगे लोगों को भी पूरा सम्मान देते रहेंगे और व्यापक खुलेपन के वातावरण में काम करेंगे। विगत दो सालों में 887 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की, 15,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश और 15,400 लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिलना उत्साहजनक है। इस तरह अब हमारे पास एक ओर जहां मनरेगा में 25 लाख से अधिक लोगों को हर रोज काम देने का उदाहरण है, बेरोजगारी दर 22% से घटाकर 2% तक लाने का उदाहरण भी है, हम चाहेंगे कि हमारी नई औद्योगिक नीति से आदिवासी अंचलों में भी तेजी से उद्योग लगे और क्षेत्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो, वहीं रोजगार के नए अवसर बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि और किसान आपके दिल के करीब रहते हैं। विगत दो वर्षों में किसानों के जीवन में आए बदलाव के बारे में आइए सुनते हैं किसान की कहानी, उनकी ही जुबानी। जय जवाहर मुख्यमंत्री जी, मैं सुबननाथ गांव कमलूर डंडौर जिला का निवासी हूं और मैं एक किसान हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दो साल के कार्यकाल में हम गाँव वालों को आपके द्वारा चलाए गए योजनाओं को बहुत सारा लाभ मिला है, जिसमें किसान न्याय योजना के अंतर्गत हमको धान का बोनस और ऋण माफी मिला है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहदिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपके द्वारा चलाए गए गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की बिक्री कर हम ग्रामवासियों को बहुत सारा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी, हमें विश्वास है कि हम सभी किसानों के लिए और भी इस तरह की योजनाएं लाते रहेंगे, जिससे हम किसानों को और भी लाभ मिलेगा। इसके लिए हम आपको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं भूपेंद्र भारे, ग्राम सूर्यगांव मुड़िया, जिला बालोद। छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार का सफल योजना रहा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। इस योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का विकास तो हुआ, बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला तथा विभिन्न न्याय योजना फायदेमंद रहा, जैसे किसान न्याय योजना तथा अन्य योजनाएं भी फायदेमंद रहा। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव बोल रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ शासन का दो वर्ष का कार्यकाल किसान भाइयों के लिए उत्साह और उमंग भरा रहा, जैसे किसान भाइयों के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2500 रुपया में धान की खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 3 किस्तों का भुगतान से किसान भाई भी बहुत खुश हैं, और एक योजना गोधन न्याय योजना के द्वारा किसान भाइयों की गोबर की खरीदी और कंपोस्ट खाद बनाकर किसान भाइयों को भी अतिरिक्त लाभ कमाने का फायदा मिल रहा है। नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के माध्यम से किसान भाइयों के आय में वृद्धि हो रही है, और इस वर्ष 1 दिसंबर से भी धान की खरीदी बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी शासन द्वारा किया जा रहा है, और 19 नवंबर से इंदिरा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ कर दाई दीदी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों का विशेष व्यवस्था कर किया गया है। खासतौर से दो वर्ष का कार्यकाल माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत उत्साह और उमंग भरा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप मन ला जय जोहार। मैं कबीर धाम जिला के तीनकर साहू ग्राम लेवारी के रही हूँ। मोला ये बताओ कि अब्बड़ खुशी हुआ थे कि मुख्यमंत्री जी आपके सरकार कर्ज माफी योजना पूरा करी, योजना के अंतर्गत मोला 1,75,000 रुपए के फायदा मिली, जेखर से मैं अपन खेती किसानी ला आगे बढ़ा रहा बर एक ट्रैक्टर ले हूँ, जेखर से मोर बेरोजगार लेकर ला रोजगार मिली। मुख्यमंत्री जी, आप मन है अपन वादा ला पूरा करत बर 2500 रुपया धान खरीदी करे हो, जेखर से है मोला दुगुना फायदा हो, इसे ऐसी सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बने रहे,
मैं यही छत्तीसगढ़ मन की ओर से। आज भी अगर कहीं से अन्याय की एक चिंगारी भी हमारे छत्तीसगढ़ का रुख करती है तो हम किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं। विगत माह किसानों के हित में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होना और उसमें मंडी कानून संशोधन विधेयक पारित होना छत्तीसगढ़ की इसी चेतना का परिणाम है। हमारे किसान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों हों या समाज में किसी भी प्रकार से कमजोर स्थिति में छोड़ दिए गए आम लोग, हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उन्हें न्याय दिलाने की होती है। किसान भाइयों, मुझे जब आपसे या आपके परिवार के सदस्यों से यह पता चलता है कि हमारी योजनाओं का लाभ आज तक पहुंच रहा है तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी होती है। चाहे कर्ज माफी हो या समर्थन मूल्य पर धान का भुगतान हो, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को बचाने की बात हो, सुराजी गांव योजना से हमारे गांव को निरंतर मिल रही शक्ति की बात हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, सस्ती या निःशुल्क बिजली देने का विषय हो, रोका छेका की बात हो, हमने उस सारे पहलुओं पर ध्यान दिया है जो तत्काल किसान और ग्रामीण हित में आवश्यक थे। गोधन न्याय योजना तो प्रतीक है कि किस तरह हमने सर्वहारा के हक में एक साहसिक कदम उठाया है। गोबर बेचकर भी अगर कहीं धन कमाया जा सकता है तो वह आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हर माह औसतन लगभग 15 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद हो रही है, जिसके कारण 4 माह में लगभग 60 करोड़ रुपए पशुपालकों की जेब में गए हैं। हमने दूरगामी प्रभाव वाली योजनाएं भी हाथ में ली है जिनका असर आगे चलकर दिखेगा, जैसे हर विकास खंड में फूड पार्क की स्थापना, जैसे धान से इथेनॉल बनाना, जैसे लाख पालन को कृषि का दर्जा, जैसे वनांचल उद्योग पैकेज, लघु वनोपज की खरीदी 7 से बढ़ाकर 52 उपजों तक बढ़ाना। मेरा मानना है इन सारे प्रयासों से छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे की पहचान बनाए रखने में भी मदद मिलेगी और उसके साथ उन्नत किस्मों की नई फसलें लेने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में कृषि और वानिकी उपजों का वैल्यू एडिशन, रोजगार, खुशहाली और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। दिनकर साहू जी, आपने अपनी बढ़ी आय और बचत से ट्रैक्टर खरीदने की खुशखबरी देकर तो मेरा दिल ही जीत लिया। वास्तव में किसानों के जेब में पैसा और घर में समृद्धि पहुंचती है तो वे उसका उपयोग धरती माता की सेवा करने और उसे संबंधित उपकरण खरीदने में करते हैं, जो आगे फिर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार बनते हैं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा को लेकर हमारे बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे हैं, आइए उनसे सीधे रूबरू होते हैं। प्रकाश सिंह राजपूत, ग्राम भटगांव विकासखंड साजा, जिला बेमेतरा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कोंगे कला विकासखंड साजा जिला बेमेतरा हायर सेकेंडरी भवन स्वीकृति देवे, क्योंकि विद्यार्थियों असुविधा होती है तो वो स्वीकृत कर विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा से निजात दिलाएंगे, यही मांग है सर। बच्चों के बारे में आपकी चिंता को सुनकर अच्छा लगा। मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 2 वर्षों में हमने 141 करोड़ की लागत से 207 शालाओं के निर्माण की मंजूरी दी है और इस सबका काम चल रहा है। मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ कि आपकी मांग का परीक्षण कर लें और आपके गांव कुंगिया कला में हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करें ताकि उसे आगामी बजट में शामिल कराया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र में ये मान्यता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबका हक होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में अब ये दोनों जरूरी क्षेत्र निजीकरण की भेंट चढ़ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए आपकी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और भविष्य में क्या करना चाहेंगे? हमने विगत 2 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया है। सामाजिक क्षेत्र में हमने सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इस कसौटी में स्वास्थ्य और शिक्षा को खरे उतरते देखना भी सुखद है। हमने महसूस किया कि सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या मायने नहीं रखती, दूरस्थ दुर्गम और स्लम क्षेत्रों में तो लोगों का अस्पताल पहुंचना भी एक बड़ा मुद्दा है। अनेक कारणों से लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए हमने यह प्रयास शुरू किया है कि अगर लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते तो अस्पताल को ही लोगों तक पहुँचा दिया जाए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना बस्तर के एक स्थान से शुरू होकर पूरे प्रदेश में फैल गई। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना और अब दय दीदी चलित चिकित्सालय योजना ऐसे उदाहरण हैं जिनसे न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाई जा रही है बल्कि उनके माध्यम से स्वास्थ्य की चेतना भी घर घर पहुँचाई जा रही है। हमर अस्पताल योजना के तहत
सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी खुले रखने के बारे में क्या कोई सोच सकता था, लेकिन अब यह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 2 साल पहले कोई मलेरिया मुक्त बस्तर और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब 1 साल में मलेरिया में 65% कमी और कुपोषण में लगभग 14% की कमी, यह बताती है कि सेहतमंद छत्तीसगढ़ बनने का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल सफल हो रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर का वादा किया था और 2 वर्ष के भीतर हमने बीमा कंपनियों की जगह राज्य के पहल और अनुशासन से देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना संचालित करके एक बड़ा सपना साकार किया है, जिसमें पात्रता अनुसार 50,000 से 20 लाख रुपए तक का इलाज मरीजों को निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। ऐसी ही पहल हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी की है, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिलाने का इंतजाम किया गया है। कोरोना के दौरान स्कूलों को बंद रखने से होने वाले नुकसान की भरपाई हमारी योजनाओं ने की है। बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, यह एक बड़ी चुनौती थी। मैं शिक्षिका बहनों और शिक्षक साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पढ़ाई तुहर द्वार योजना के माध्यम से 40 लाख ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की और जहां ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतें थी, वहां पारों, मोहल्लों, हाट बाजारों में लाउड स्पीकर, ब्लूटूथ आदि का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाया। आपके इस योगदान की और बच्चों के लगन की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उस नज़ारे के बारे में सोचिए कि कैसे 36,000 से अधिक स्थानों पर कहीं पेड़ के छांव में तो कहीं गली चौबारों में पढ़ाई चल रही है। इस चुनौती के दौर में हमने यह निर्णय लिया कि हमारे प्रदेश की शालाएं किसी उच्च स्तरीय विद्यालय से कम न हो, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के स्थायी उपाय हों, इंग्लिश मीडियम का हवा समाप्त हो जाए, इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से 1 वर्ष में 52 और अगले वर्ष के लिए भी 100 ऐसे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। सर्व सुविधा युक्त शालाओं के रूप में उन्नयन का काम भी चल रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्चों और पालकों की जागरूकता से हमारे इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश का क्रेज हो गया है, जिसका लाभ नौनिहालों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें वैश्विक अवसर दिलाने के रूप में मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत महत्व दिया है। लोकतंत्र पर आपका अटूट विश्वास है, जो समय समय पर आपके लोक अभियानों से दिखता है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को लेकर आपकी पहल की चर्चा पूरे देश में हुई है कि ये देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा। इस संबंध में भी सुनते हैं एक विचार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम धीरेंद्र गिरी गोस्वामी है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 1 दशक से विभिन्न चैनलों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। पत्रकारों की पेंशन राशि 5,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर दी है, ये सराहनीय है। अब बारी है पत्रकार सुरक्षा कानून की। हमें जानकारी मिली है कि इसके प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने से पत्रकारों को एक नई ताकत मिलेगी। यह कानून सशक्त होगा और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये कानून पत्रकारों के हित में होगा। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमने एक ओर जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं का मान बढ़ाया है, वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को भी सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप बन चुका है और हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी विधानसभा में पेश कर पारित कराया जा सके। हम तो प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं, यही वजह है विश्वास सुरक्षा और विकास की रणनीति पर हमने काम करना शुरू किया था, जिसकी सर्वाधिक जरूरत बस्तर के नक्सली हिंसा प्रभावित अंचलों में थी। आज आप देख सकते हैं कि हमारा सुरक्षा और विश्वास का मंत्र बस्तर सहित पूरे प्रदेश में सार्थक विकास का माध्यम बन गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, युवा, यहाँ तक कि कुपोषित बचपन को भी हमने सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक देने के साथ जो अभियान शुरू किया था, वह 52 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी तक पहुंच गया है।
निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा और सामुदायिक दावों की नई पहल से न्याय का नया दौर शुरू हुआ है। माता कौशल्या के मंदिर परिसर के विकास से जो अभियान शुरू किया था वह कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पथ के विकास तक पहुंच गया है। सरोधा दादर से लेकर सतरेंगा तक पर्यटन विकास की नई आभा दिखाई पड़ रही है। वहीं राजस्व सुधार और सहूलियतों का नया दौर आम लोगों के जीवन में नई रोशनी बिखेर रहा है। 1 रुपये किलो की दर पर 35 किलो चावल, बिजली बिल हाफ से लेकर खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा के साथ जीवन यापन और आजीविका के नए साधनों से रोजगार के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। हमारे सारे कदम नागरिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां हमारे प्रदेश के लोग अपना सुरक्षित भविष्य देखते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश करते हुए अपना भविष्य संवारने का सपना देखने वाले निवेशक भी हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। मेरा मानना है कि किसी सरकार के कामकाज का 2 वर्ष बहुत अधिक समय नहीं होता, लेकिन फिर भी यह संतोष का विषय है कि हमारे 2 वर्षों के कार्यकाल में नौनिहालों को, युवाओं को सुखद भविष्य दिख रहा है, तो सभी लोगों को अपना जीवन सुविधाजनक और भविष्य सुरक्षित महसूस हो रहा है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। हम इसी प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए समर्पित रहेंगे और चाहेंगे कि विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल का मानवीय चेहरा निरंतर दमकता रहे। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। राज्य के विकास हेतु बाबा का आशीर्वाद सदैव मिले, यही कामना है। 25 दिसंबर को क्रिसमस और फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। और श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 10 जनवरी 2021 को होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की युवाओं से बात का प्रसारण किया जाएगा। पहले की तरह ही आप अपने विचार, सुझाव या सवाल 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार है 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।